कथा है कि पार्वती अपने गुरु नारद के वचन में विश्वास है, मैं पुनः तपस्या करूंगी, शिव जी को प्राप्त करूंगी। माँ बाप तो कहेंगे नहीं कि बेटा तू जा वन में तप करने। पार्वती ने अपने स्वप्न की बात अपने माता पिता से कही। स्वप्न में एक गौर वर्ण वाले ब्राह्मण ने आकर के मुझसे कहा कि तुम जाकर तपस्या क्यों नहीं करती, तुम्हें अवश्य शंकर जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ मैं तप करने जाऊं? कुमारी कह रही है, बेटी कह रही है, जाओ पुत्री। और पार्वती अपने माता पिता की अनुमति और आशीर्वाद लेकर के वही वन में उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, अपने नाथ के चरणों को अपने हृदय में धारण करके वह तपस्या करने लगी। बहुत कठिन तप किया, कंदमूल फल खाकर तपस्या करने लगी, फिर जल पी करके तपस्या करने लगी, सूखे पर्ण खाकर के तपस्या करने लगी। एक समय ऐसा आया सूखे पत्ते खाना भी छोड़ा, नाम अपर्णा हुआ, शरीर सूखने लगा पार्वती का इस तप में इस व्रत में, लेकिन शरीर का तेज बढ़ने लगा, शिव चरणों में नित नूतन अनुराग वृद्धि होने लगी अनुराग। और तब आकाश में आकाशवाणी हुई, गिरिजे मिलेंगे शिव तुम्हें पति के रूप में, जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए तो हमारी बात को सत्य मानना, तुम्हारे पिता जब आए तो उसको हट छोड़ करके फिर उसके साथ घर चले जाना।